देख रहे हैं स्ट्रीट बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत डोबो में एक विवादित भूखंड पर स्थानीय विधायक सबिता महतो को प्रशासन ने कब्जा दिला दिया। इस दौरान स्थानीय आदिवासी को कब्जा दिलाने गए प्रशासनिक अधिकारियों के बीच काफी गर्मा गर्मी हुई। विरोध के दौरान चांडिल के अंचल अधिकारी प्रणव अम्बस्ट अपना आपा खो बैठे और एक आदिवासी रियायत की गर्दन पकड़कर उसे धक्का दे दिया। भारी विरोध के बीच डंडे के जोर पर विधायक को जमीन का कब्जा दिलाकर घेराबंदी करा दी गई। बता दें कि डोबो के हनुमान नगर में एक भूखंड को लेकर स्थानीय झामुमो विधायक सबिता महतो और आदिवासी भूमिज समाज के लोगों के बीच बीते कुछ महीनों से विवाद चल रहा था। मंगलवार को सुबह उक्त भूखंड की घेराबंदी के लिए चांडिल अंचल अधिकारी प्रणव अम्बस्ट, कपाली ओपी प्रभारी सतीश कुमार समेत भारी संख्या में महिला व पुरुष बल की तैनाती की गई थी। जमीन घेराबंदी की शुरुआत होते ही स्थानीय लोग विरोध पर उतारू हो गए। बढ़ते हंगामे को देख पुलिस ने दर्जनों महिलाओं को बस में भर दिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं पुरुषों द्वारा विरोध किए जाने के क्रम में अंचल अधिकारी ने एक आदिवासी को गर्दन पकड़ कर धकेल दिया। दिन भर गतिरोध की स्थिति बनी रही। मौके पर पहुंचे चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा ने कहा कि उक्त जमीन को सबिता महतो ने खरीदा है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि उक्त जमीन पिछले 100 साल से उनके कब्जे में है। जमीन के कागजात भी होने का दावा उन्होंने किया है। जानकारी मिल रही है कि उक्त भूखंड को लेकर एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद प्रशासन की मौजूदगी में घेराबंदी की गई है। आप तो ड्रेस पहने हम लोग आए हुए हैं, हम लोग को बोला गया तो आए हुए हैं। तो आप तो देख रहे हैं कि आप यहाँ खड़ा हुए काम करवा रहे हैं। काम कहाँ करवा रहे हैं? काम आप लोग नहीं करवा रहे हैं? नहीं, बॉडी वाला काम आप लोग नहीं करवा रहे हैं। हम लोग विजिट करने आए, हम लोग बोला गया देखने के लिए। किसने बोला? कौन बोला आपको? कौन बोला? हम लोग का वहीं पे कोई सीनियर है हमारा, ए श्रीनाथ बिल्डर का। श्रीनाथ बिल्डर के कोई अधिकारी है? श्रीनाथ बिल्डर के कोई है ऑफिसर? हाँ, कोई हमारा सीनियर है, वही बोले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उज्ज्वल। और आपका? राजेश। ठीक। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस न्यूज। धन्यवाद।